हेलो दोस्तों, आज है जुलाई की 29 तारीख और आप है अपने यूट्यूब चैनल स्नेहास ग्रीन फेरीज पर। आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये खूबसूरत सा जारबेरा का पौधा जो कि एक बहुत ही फेमस कट फ्लावर है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो दर्शाता है प्योरिटी को, ट्रू लव को, इनोसेंस को। इसलिए ये गिफ्टिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों। वैसे इसका कॉमन नेम अफ्रीकन डेजी, जारबेरा डेजी भी है, और ये इसका बॉटनिकल नेम जो है जारबेरा जेमिसोनी, और फैमिली है इसकी एस्टेरेसिया। तो आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ इसके बारे में, ऐसे तो ये बहुत ही आसानी से लग जाता है, बट कभी प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो है जब आप नर्सरी से लाएँ तो रेड मिट्टी ज़रूर चेक कर लें कि रेड मिट्टी तो नहीं, कहीं चिकनी मिट्टी तो नहीं। पुणे वाली वेराइटी में रेड मिट्टी ज़रूर होती है। आप मेरे सामने यहाँ ये देख सकते हैं, ये एक मुरझाया सा पौधा है और इसके क्राउन में अच्छे से फंगस लग चुकी है, जो कि मैं 4-5 दिन पहले लाई थी, और ये बहुत ही ख़राब कंडीशन में, सारा ट्रीटमेंट करने के बाद भी, एप्सम सॉल्ट हो, फंजीसाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सारा कुछ डालने के बाद भी इसकी स्थिति सुधर नहीं रही है। तो मैं जो आपसे आज शेयर करने वाली हूँ इसके बारे में, ऐसे तो ये एक पेरिनियल प्लांट है, ये एक बार लग गया तो आपके साथ सालों साल रहेगा दोस्तों। इसको चूँकि आप अगर इसको देखें तो इसका जो ब्लूम टाइम है वो स्प्रिंग और समर में है। हार्डीनेस जोन भी इसके 8 to 11 है। हाँ, और इसमें जो ये कोकोपीट लगा हुआ था उसने इसको अच्छे से पूरा जो है कि एकदम बर्बादी कर दिया है, क्योंकि रेड मिट्टी इतनी मोटी होती है, ना ही उसमें एरेशन जा पाता है, और बहुत ही वो सॉगी होता है, इसलिए इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर ये ज़मीन में है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप गमले में रखें अगर इसको तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दें। पॉट भी इसके लिए, पॉट सिलेक्शन भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है, आप बेटर है कि चौड़ा गमला ही लें। तो आज जो मैं इसके बारे में बात करने जा रही हूँ, इसके केयर के बारे में, सनलाइट की बात करते हैं अगर, तो सनलाइट इसको फुल सन बिल्कुल 6 से 8 घंटे की दे दोस्तों। समर में इसको दोपहर की धूप ना दें, दोपहर की धूप देने से बचें। और दूसरा आता है इसका पानी, तो पानी इसको बिल्कुल भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं देनी है। मॉइस्चर लविंग तो है, बट इसको सॉगी सॉइल में भी बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसके क्राउन में अगर फंगस लग गई तो पूरा प्लांट ही आपका डेड हो जाएगा इसीलिए। और इसको बहुत ज़्यादा बारिश में भी ना छोड़ें, अगर आपने इसको रेड मिट्टी में लगाया हुआ है तो। और नेक्स्ट है इसकी, जब मैं सॉइल की बात करूँ तो सॉइल इसको एसिडिक चाहिए। हाँ, और आप इसको चेक करें, कहीं ये नर्सरी में लाने के बाद ये रेड मिट्टी में तो नहीं लगी हुई, क्योंकि अगर रेड मिट्टी में है तो डेफ़िनेटली आपका प्लांट जो है ज़्यादा दिन तो चल नहीं पाएगा। गर्मी में चल भी गया, बारिश में तो और आपको सावधानी से लाना है। यही एक सावधानी है जो आपको इस पे ध्यान देना है। कोकोपीट और रेड मिट्टी में लगा हुआ होता है पुणे वाली वेराइटी का पौधा, और बिल्कुल इसको जब भी आप लगाएं तो क्राउन से ऊपर लगाएं, क्राउन टच नहीं होना चाहिए। ये इसमें जो फंगस लगती है सबसे पहले क्राउन को ही ख़राब करती है, जिस कारण वो रूट में फैलती है और रूट रॉट होता है। मिट्टी इसको बिल्कुल ही पोरस तो चाहिए ही चाहिए, एक्सीलेंट ड्रेनेज वाली चाहिए, माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिच होनी चाहिए। बिल्कुल इसको आप इसके लिए मिट्टी की व्यवस्था हमेशा अच्छी रखें, और कोकोपीट तो कभी यूज़ ना करें इसमें, बिल्कुल भी नहीं। रेड सॉइल से बिल्कुल बचें। और नेक्स्ट आता है दोस्तों इसका फर्टिलाइज़र, तो वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और राइस खस्क, ये सभी इसके ज़रूरत हैं। राइस खस्क खूब ज़्यादा दे इसको, इसको एरेशन बहुत पसंद है और फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है। और इसको जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नर्सरी में बारिश में लाने से बचे, कि हो सकता है पौधा जो है वो पहले ही डेड हो चुका हो लेकिन आपको उस वक्त पता नहीं चले, क्योंकि वो लोग टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं कि कस्टमर के सामने जो है कि पौधा बहुत हरा भरा रहे, और जब आप घर लाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि बारिश में ऐसे भी सब हरा भरा ही रहता है, लेकिन जब आप घर लाएंगे तो ये तुरंत मुरझा जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने इसको काफ़ी बचाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के, एप्सम साल्ट डाल के, पर फिर भी इसका कंडीशन वैसा का वैसा ही है। और इसकी अगर मैं टाइप्स की बात करूँ दोस्तों, तो वो है जर्वीनिया, जगुआर, स्वीट सनसेट। और नेक्स्ट है, मैं अगर बात करूँ इसकी प्रोपगेशन की, तो प्रोपगेशन सीड से भी होता है, और आप इसके क्राउन को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, ये जो है क्राउन से ही इसकी पत्तियाँ निकल रही हैं, और ये किस तरह से ये डेड हो गया है, तो क्राउन को आप दो पार्ट में डिवाइड करें और अलग अलग गमलों में दोस्तों आप इसको लगा सकते हैं। और नेक्स्ट है इसकी, अगर मैं कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करूँ, विल्टिंग और येलोइंग, और फ्लावरिंग ना होना और लीव्स का ब्राउन होना। विल्टिंग इसलिए कि अगर ये ओवर वाटरिंग भी रह गया
तो भी ये विल्ट करेगा, अंडर वाटरिंग हो गया तो भी ये बताता है इसको पानी चाहिए, येलोइंग इसलिए कि अगर इसके रूट में कोई प्रॉब्लम है, लीव्स का ब्राउन होना तो अगर जड़ में कोई बैक्टीरिया ग्रोथ कर रही है या कोई आपके प्लांट पे इंसेक्ट का अटैक है तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, इस कारण भी ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा केयर की ज़रूरत है। अगर आप ज़मीन में लगाएंगे तो ये बहुत ही बेटर कंडीशन में रहेगा। हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा, रेड सॉइल और चिकनी मिट्टी को बिल्कुल आपको चेक कर लेना है। ये जो है, ये प्लांट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, पर ये जो इसके साथ ऐसा हुआ है मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। तो दोस्तों, ये आप ज़रूर चेक करें। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये बचेगा, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये बच जाए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।